रास्ता चुल बुलानी ना कुछ नहीं की, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह की यहाँ पर तो मैडम आई, मैडम थी रात वाली, वो जांच की, बोली ये सौदा थी, इन लोगों को बाहर निकाल दो। तो बुजुर्ग लगाई वो फोन, हमको ऑपरेशन कराना है। मुझे ठीक है, आप तैयार होके आइएगा, हम आ रहे हैं, हम ले चलेंगे अस्पताल। वो तैयार होके आ गए और हम अस्पताल ले आ लेंगे। कल जाती भी ना हो अस्पताल। सर वहाँ सुबह हम लोग सुबह जब वो गई उसके बाद में मैं भाभी को लेके गया, तो मैं वहाँ उनसे हम लोगों ने पूछा कि बीपी चेक हुई, तो बोले कि दिक्कत कुछ है तो नहीं उसमें, बोले उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ऑपरेशन। इसके बाद जब शाम के मतलब जब उसके पहले जो इंजेक्शन लगे तो पूरे लग गए चार पाँच, और जो शाम के लगे दो यहाँ यहाँ उतने टाइम लगते ही उसने उसके मुँह से खुशबू कराए, और हमको अंदाज है कि उतनी टाइम कारण। घटना की विशेष जानकारी तो मेरे को नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी मेरे को सुबह हुई है कि इस प्रकार की घटना घट गई है। क्या घटना घट गई है? सिया भाई पति शिव कुमार फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाने गई थी, तो वहाँ पर इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश हो गई हैं। बेहोश होने के बाद उनको जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है, यहाँ पर एक्सपायर सुबह हमको ग्रामवासियों द्वारा लगी। क्या मानते हैं आप इसमें, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लग रही है? नहीं नहीं, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही तो सुनिश्चित है मानने को, क्योंकि इंजेक्शन आपने लगाया, ऑपरेशन आपको करना है, तो लापरवाही तो सुनिश्चित है।